हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त हर्षदेव, बैक विद अनदर वीडियो। चलिए आज आपको बनाना सिखाता हूँ एक अलग रेसिपी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर एक के घर में कभी ना कभी कुछ रोटी वेस्टेज बची, तो कभी कभार लोग क्या करते हैं कि वो वेस्ट ही हो जाता है खाना, उसको या तो फेंक देते या फिर यूज़ में ही नहीं लेते। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि उन वेस्ट रोटीज का कैसे रीयूज़ किया जाता है, और मैं एक बढ़िया डिलीशियस डिश बना के बताऊंगा जिसको आप या तो ब्रेकफास्ट में खाइए या फिर आप कभी भी बना के खा सकते। बहुत ही बढ़िया रेसिपी होगी, चलो बताता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हमने यहाँ पे रोटी ले ली है, अब इन रोटियों के हम टुकड़े करेंगे। ये हमने टुकड़े कर लिए रोटियों के। अब हम यहाँ पे कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और टोमेटो ले लिए। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। अब जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इसको हल्का सा ब्राउन होने दीजिए। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, इनको भी हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छे से मिक्स कीजिए। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, इनको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक फ्राई होने देना है। अब आखिर में हम टमाटर डालेंगे। अब सबको मिक्स करके थोड़ी देर तक फ्राई होने दीजिए। अब तेल छूटने लगा है, अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया, उसके बाद 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अब यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, फिर आखिर में स्वाद अनुसार नमक, हमने यहाँ पे 1 और 1/2 चम्मच ले लिया। अब इनको अच्छे से मिक्स करके ये मसाले थोड़े से फ्राई करेंगे। ये थोड़ी देर तक मसाले फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच शेजवान चटनी। 1 चम्मच शेजवान चटनी डाल दिए। अब तकरीबन 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना टोमेटो सॉस हमने डाल दिया है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसके अंदर हम 2 ग्लास पानी डालेंगे। थोड़ा सा आगे और भी लगेगा, लेकिन फिलहाल तो गर्म होने के लिए हम इसमें अंदर 2 ग्लास ही पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर हमने जो रोटी कट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हम रोटी को मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे रोटी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इनको मिक्स अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ा गर्म होने के बाद, थोड़ा सा पानी आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं।
अब इनको ढक के अच्छे से गर्म होने के लिए हम रख देंगे। ये हमारी रोटी फ्राई हो गई है अच्छे से। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, क्योंकि क्या होता है कि रोटी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी फ्राइड स्पाइसी रोटी बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब करना ये कि इसके ऊपर हम थोड़े से धनिया पत्ते डाल देंगे टॉपिंग के लिए, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी यहाँ पे रोटी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी, स्वादिष्ट, लजीज यहाँ पे हमारी फ्राइड रोटी तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।